हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो आज बनाएंगे आपके लिए टमाटो सॉस। टमाटर की चटनी बनाने लगे हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो यहाँ पर हम आधा किलो टमाटर जो है यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें ना, एक पतीला गैस पर चढ़ा दें, उसमें डाल दें पानी, फिर इसमें डाल दें टमाटर, जितने भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतने टमाटर इसमें डाल दें। और पानी आपने उतना डालना है कि आपके सारे टमाटर जो है ना इसमें डूब जाएँ। फिर 10-15 मिनट के लिए आप इसे उबलने दें हाई फ्लेम पर। उसके बाद आप जब देखेंगे ना, इसमें ना ऐसे क्रैक से आने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि ये उबल चुके हैं। तो आप इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लें। ये हमने इनको निकाल दिया है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हो ना कैसे एक छिलका सा आ गया है। तो हमें ना ये छिलका उतार देना है, छील लेना है सारे टमाटर। तो हमने यहाँ पर ये सारे टमाटर हमारे छील लिए हैं। ये देखो कितने बढ़िया जो है ना ये पल्पी से बने हुए हैं, एकदम पल्पी से जो है ये हो गए हैं। तो ये जो छिलका है ये हमारे यूज़ का नहीं होने वाला, इसको हम फेंक देंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे, टमाटर को ना हम एक मिक्सर में दरदरा सा कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा करना है। ये ना वैसे एकदम ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो सही है, अगर आपको नहीं करना तो आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर इसको जो है मिक्सर में दरदरा सा कर लिया। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये बस ऐसे दरदरा होना चाहिए, पेस्ट नहीं बनाना है। लेकिन फिर क्या करेंगे, हम एक घोल तैयार करते हैं मसालों का। इसमें है गरम मसाला और है धनिया पाउडर और है देगी मिर्च, एक एक चम्मच है तीनों। इसमें डाल दें और फिर इसमें डाल दें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाल दें और उसके बाद आधा चम्मच इसमें डाल दें काली मिर्च। और फिर इसमें डालना है आपने पानी, 3-4 टेबल स्पून पानी डाल दें और इसको ना ऐसे घोल लें, मिक्स कर लें। इसका ना एक घोल सा बना लें। क्या है ना कि हमारे जो मसाले हैं ना फिर जलेंगे नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे, ठीक है। तो जलेंगे नहीं मसाले, तो इस तरीके का आप इसका घोल जो है बना के रेडी कर लें। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी, ठीक है। तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर जो है पैन गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें डाल दिए हैं 3-4 चम्मच कुकिंग ऑयल। उसके बाद अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हींग डाली, ये थोड़ी सी चटक जाए। उसके बाद हमने डाला है यहाँ पे जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दें, ये भुन जाए चटक जाए। फिर डाल दें इसमें मिर्च, मिर्च हमने एक डाली है बड़ी काट कर हरी वाली, आपको ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डाल लें। उसके बाद यहाँ पर ये डाला है हमने अदरक। अदरक के ना हमने 5-7 जो है ना 1.5 इंच के टुकड़े पीस लिए हैं, पीस कर डाले हैं। और उसी तरीके से हमने पीस कर 4-5 जो है लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं इसमें। अब इसको ब्राउनिश होने दें हल्का सा। फ्लेम को जो है ना आप यहाँ पर मीडियम रखें, हाई ना करें। तो इसको ब्राउनिश होने दें। फिर हमने जो ये मसाला सा रेडी किया था ना, ये घोल सा बनाया था मसालों का, वो इसमें डाल दें, ठीक है। वो इसमें डाल दें और इसको अच्छे से चला लें। अब ना यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, लाइक 5-7 टेबलस्पून और डाल दें पानी इसमें, है ना, आधा कप कह लो, आधा कप डाल दें। ये देखिए मसाले, ताकि ना अच्छे से भुन जाए हमारे, जले नहीं, तो इसलिए। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम चिली सॉस। चिली सॉस से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो 1-2 चम्मच जो है ना आप इसमें डाल दें चिली सॉस और बढ़िया से इसको चलाने। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे हमारा जो टमाटर हमने मिक्सर में करके रखा था वो डाल दें, या फिर आपने जो मैश किया था हाथों से वो डाल दें। तो इसको डाल दें और बढ़िया से इसको चला लें, आप अच्छे से चला लें। फ्लेम को आप यहाँ पर जो है मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पे ना इसको अब हमने कढ़ाना है थोड़ा सा, है ना, कढ़ाना है ताकि जो पानी सा है वो सूख जाए इसमें से। अब यहाँ पे हम नमक डाल दिया है हमने, एज पर टेस्ट जितना भी आपको खाना पसंद है उतना डाल दें, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। फिर डाल दें इसमें चीनी, चीनी यहाँ पर हमने 4 चम्मच जो है चीनी डाली है। आधा किलो टमाटर हमने यूज़ करे थे तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच जो है चीनी के डाल दिए। फिर ये देख रहे हो आप कितनी बढ़िया जो है ना हमारी वाली बनके रेडी हो गई है। तो हम अब इसमें डाल रहे हैं देसी घी, 1 चम्मच ना हमने इसमें देसी घी डाला है, इससे बहुत ज़्यादा शाइनी सा हो जाता है, ये शाइनी शाइन ना अलग से दिखाई देती है। तो देसी घी डाल दें इसमें और ऊपर से हमने थोड़े से बरी काट के ना पुदीना डाल दिया और गैस को बंद कर दिया। ये बनके एकदम रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। ये देखो भाई कितना बढ़िया कलर जो है ना इसका बन के आया है, बहुत बढ़िया कलर बन गया है, इतना प्यारा कलर बन गया है इसका, आप देख ही रहे हो कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और बड़ी आसानी से बन गई है ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी वाली अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बताएं आपको कैसी लगी है, कैसी बनी है, आपकी वाली कैसी बनी है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी लगती है और 1-2 दिन तक चल भी जाती है।